हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। ये क्या है? ये 12 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी है जो कि लूम सोलर कंपनी की तरफ से आया हुआ है। यह सोलर की इंडस्ट्री में जानी मानी कंपनी है और कुछ ऐसा इसका बॉक्स पैकेजिंग है, तो हम इसे फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये रहा बैटरी और ये काफी हार्ड प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है और ये काफी लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट है और इसके फ्रंट साइड में लूम सोलर लिथियम बैटरी मेंशन किया गया है और कैमल 1212 इसका मॉडल नंबर है एंड 12AH 150 वाट आवर की बैटरी है एंड यहाँ पे कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं। वारंटी 24 मंथ की है और यहाँ पे MRP 7000 मेंशन किया गया है, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस आपको इनके वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। तो इस बैटरी को आप काफी तरीके से यूज कर सकते हैं अपने होम में, जैसे मोबाइल चार्जिंग हो, लैपटॉप चार्जिंग हो, या फिर आप अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये बैटरी नॉर्मल लेड एसिड बैटरी से काफी डिफरेंट है एंड ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो 0 से 100% चार्ज होने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है एंड आप इसे 19% तक ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये काफी पावरफुल बैटरी है लेड एसिड बैटरी के मुकाबले। तो चलिए हम इससे कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम वोल्ट मीटर से इसका वोल्टेज चेक करेंगे। यह 13 वोल्ट दिखा रहा है और इसका वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल है एंड ये है एक 12 वोल्ट का ड्रिल मशीन और इसको मैंने खुद अपने घर पे बनाया है और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है एंड प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस वायर को जोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्टेबल और बहुत ही फास्ट रन कर रहा है। मैं इससे ड्रिल मशीन चलाकर दिखाया जो कि काफी हैवी टास्क था एंड उसे भी ये आसानी से झेल गया भाई, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। एंड ये बैटरी आपको कैसी लगी और आप भी इसे खरीदना चाहते हैं और इसके प्रति आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।